वेलकम टू स्पीड डाइनिंग डॉट कॉम। दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट से चैनल पे हमेशा रौनक बनी रहती है। इस दिवाली पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में एक नई खुशहाली की। इस साल 2020 जितना मुश्किलों भरा रहा, 2021 उतना ही ज्यादा प्रॉस्पीरियस होगा, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जितनी भी रुकावटें जिंदगी में आई थी उसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं आप, चाहे कैसा भी वायरस आ रहा हो, COVID-19 वाली बातें हों, आप अपने घर में सेफ रह के आजादी से पैसा बना सकते हैं। चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कई प्लेलिस्ट देखने को मिलती है, तो वो प्लेलिस्ट बड़े काम की। इसमें से 2 मिनट ट्रेडिंग ट्रिक्स स्ट्रेटेजी वो खास तौर पे देखें आप। यहाँ पे इसको ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी ट्रेड को, इंट्राडे ट्रेड को रिपेयर कैसे करेंगे। हम लोग एक ऐसा तरीका हम आपको ये बताने वाले हैं कि ट्रेडिंग में आप कभी फंसेंगे ही नहीं। कई बार लोगों की एक ही शिकायत होती है कि सर, हमने कोई भी स्टॉक अगर खरीदा तो वो जहां हम खरीदते हैं वहां से एकदम नीचे चला जाता है, और नीचे चला गया, पैनिक में हमने लॉस बुक कर लिया, उसके बाद में वापस ऊपर आ गया। ऊपर आ गया तो अब हमने सोचा चलो शॉर्ट करें, शायद फिर से नीचे जाएगा, लेकिन वो नए नए हाई बनाता चला जाता है। तो क्या तरीका हो कि हम काम कर पाए ठीक से? यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्ट्राइड फार्मा का। आज जैसा मूवमेंट हुआ एक्चुअल मार्केट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, बाजार में एक तो टाइम डिसिप्लिन के हिसाब से अगर आप बात करें तो 9:15 से लेकर 9:19 तक एक बात करते हैं हमें, एकदम से मूवमेंट आ जाता है, उसके बाद में टाइम लीजिए थोड़ा। हाँ, तो यहां हमको नजर आ रहा है कि 9:30, 9:40 तक आपने देखा एक करेक्शन आ गया, और उसके बाद दोबारा ये ऊपर गया। तो एकदम से आपके सामने कोई तेजी आई है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पे आपको खरीदनी चाहिए। पर चलो, आपने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया है कि आपने यहां पे बड़ी क्वांटिटी खरीद ली, या फिर मैं कहूं कि आपने यहां पे बड़ी क्वांटिटी खरीद ली, अब वो आप रेट देखें क्या चल रहा है, 7678 है। हम अगर किसी चीज को पहले भागते हुए देखते हैं इस तरीके से, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा नीचे आने पे ले लेंगे। अब थोड़ा नीचे को डिफाइन कैसे करेंगे आप? 678 का यहाँ पे रेट था, आप देख रहे हैं ये थोड़ा नीचे आया, ज्यादा नीचे जा नहीं रहा था, तो 670-675 पे आपको लगा बस बहुत हुआ, अब हम खरीद लेते हैं। तो आपने यहां पे कहीं खरीदा इसको 676 में, ठीक है। इस लेवल पे खरीदने के बाद में आपको एक काम करना है, अगर आप 100 शेयर परचेस कर रहे हैं तो 50 शेयर का स्टॉप लॉस 2 रुपए नीचे लगा दो। इस बात से बिल्कुल भी मत डरो कि स्टॉप लॉस छोटा है, हिट करके कहीं भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि आप आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अगर ये आपको धोखा भी देगा तो धोखा होने के बजाय आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। हाँ, आप ये कहेंगे कि सर 100 शेयर में मुझे 800 रुपए मिलने वाले थे, मेरे पास 50 शेयर है तो मुझे 300-400 रुपए ही मिलेगा, तो ठीक है चलेगा, लेकिन पूरी तरह धोखा हो ऐसा होगा नहीं। तो हम जो एंकरिंग बायस होता है ना, कि आप ये मान के चलो कि बस ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, नीचे तो जाएगा ही नहीं, ये सोच के अगर काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। आपके ट्रिप होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपको लगता है कि पहले जो तेजी पीछे गई हुई है वो तेजी आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाती है। आप पे उस बुल रन का ऐसा इंप्रेशन रहता है कि आपको यही नजर आता है कि जहां से गिर के आ रहा है बस अब उधर ही जाने वाला है। लेकिन टाइम डिसिप्लिन में हमने आपसे क्या कहा कि दिन में एक डिप आता है, और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि ये 11:30 बजे से 11:30 to 1:30 तक आपको बाहर रहना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर आप सुबह से शाम तक कोई स्टॉक को खरीद के इंतजार करेंगे तो आपने यहां नहीं बेचा है तो आप उसको यहां बेच देंगे, यहां पे सेल कर देंगे। अब यहां पे क्या रेट आ गया था आप देखिए, 669.68 तक आ गया था। अब आप सोचिए कि 676 पे 100 शेयर किसी ने खरीदे हो तो 669 पे उसको क्या नजर आएगा, 700-800 रुपया माइनस हो गया एकदम से। 100 शेयर खरीदने वाले के लिए ये 1.5% का नुकसान काफी होता है। आपको पता है ना कि दिन का हम लोग सोचते हैं आधा परसेंट भी मिल जाए तो साल का 100% प्रॉफिट मिल जाएगा, तो आधा परसेंट 1% का डेली प्रॉफिट हमारे लिए बहुत होता है। तो जब आधा परसेंट 1% का डेली प्रॉफिट हमारे लिए बहुत है तो 1.5% का लॉस तो हम झेल नहीं सकते ना। तो होगा क्या कि आपने 75-76 पे कहीं बाइंग की, 74 का SL उसने हिट किया और ये 69-68 के आसपास कहीं आ गया,
अगर आपने सेल नहीं भी लगाया है तो आप वहां पे 700-800 रुपए माइनस देख के एकदम पैनिक में बेचिए मत। आप ये अपने आप को मैसेज दीजिए कि 800 रुपया जा चुका है तो 150 रुपया और सही। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली ऐसा किया था, 669 में हमने फिर से बाय किया और 667.5 का स्टॉप लॉस लगा दिया, 150 रुपए नीचे जो लेवल वहां पे था उससे 150 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया। ये चीज आप हमेशा ही ध्यान रखना कि आपकी बाइंग प्राइस जो भी हो लेकिन अभी जहां तक पहुंच चुका है वहां पे आपको 800 रुपए का नुकसान तो हो ही रहा है। तो 800 हो या 950 हो ज्यादा फर्क नहीं है परसेंटेज में, इसलिए मैं आपको कहता हूं परसेंटेज में सोचना सीखिए। अभी आप सोचेंगे कि सर फर्क क्यों नहीं है, 800 और 1000 में तो फर्क है, तो हम वहीं बेच के निकल जाएं। आपके बेचने के ठीक बाद वो ऊपर भागने लगे और वापस आपके रेट पे खड़ा होगा आके, तो साइकोलॉजिकली आपको तोड़ देगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा ये। कल से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आप बहुत सारी ट्रेडिंग में गलतियां करने लगोगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं पैनिक में जब भी कोई शेयर आपके सामने एकदम से गिर जाए तो आपको 9 रुपए नीचे अगर आप उस शेयर को बेच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मत बेचो, वहां से 1 या 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो अब क्या होगा, उसके बाद स्क्रीन को छोड़ दीजिए, आप उसको बार बार घूरने की जरूरत नहीं है। मैंने भी ऐसे ही किया था, 669 पे खरीदा, 667.5 का स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। एक आध बार नजर गई तो 671, 72, 70 ऐसा कुछ नजर आ रहा था, मुझे लगा कि गया है सेल पर नहीं गया था। दूसरी बार आधा एक घंटे के बाद मैंने देखा तो 674, 75 दिखाने लगा। मैंने जो नीचे एक्स्ट्रा शेयर खरीदे थे उनमें से थोड़े निकाल दिए, फिर जो पहले के रखे थे उनमें से भी थोड़े निकाल दिए। अब सिचुएशन कंट्रोल में थी, जहां पे आपको 1000 रुपए का नुकसान दिख रहा था वहां पे अब नुकसान 200 रुपए का नजर आने लगा था। अगर आप जितनी क्वांटिटी यहां खरीदी थी उतनी ही क्वांटिटी नीचे खरीद लेते तब तो आप प्लस में हो जाते, लेकिन आप यहां पे आपने 100 शेयर खरीदे थे तो यहां पे आप 100 खरीदने के बजाय डरे हुए हो तो 50 शेयर खरीदोगे, और वहां पे अगर आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके लिए सिर्फ सिंपल दिमाग भाषा में यह बात होनी चाहिए कि मैं 100 रुपए का रिस्क और लिया हूं। तो आपने क्या किया वहां पे, 100 रुपए का रिस्क एक्स्ट्रा ले लिया और यह पलट के जब ऊपर गया तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करने लगे। थोड़ा प्रॉफिट बुक किया, फिर से थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है, आपको अगर मन हो तो फिर से री एंट्री करें, नहीं तो उसको रहने दीजिए। जब जब वो ऊपर की तरफ आए उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, या आखिर में बिका जाके 680 पे। तो आप देखिए जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला स्टॉक हो गया था वही प्रॉफिट देके गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पैनिक में एकदम हमने लॉस बुक नहीं किया। और ऐसे ही सबसे पहला कारण तो ये होना चाहिए कि ये कहानी शुरू कहां से हुई थी, एकदम से उछाल देखा किसी स्टॉक में और आपने उसको बाय कर लिया बिल्कुल पिक पे और बड़ी क्वांटिटी ले ली, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो मारे जाओगे आप। कोई भी स्टॉक अगर आपके सामने भाग के गया है और आप अगर चुक गए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आधा घंटा एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए उसको, दौड़ती हुई ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो अब आपने छोड़ दिया उसको, बाद में कहीं नीचे के लेवल पे मिलने लगा तो आप उसको सिस्टमेटिक बाय कीजिए। कहां तक नीचे जाएगा आपको नहीं पता है, ये पता करने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं आपसे कहूंगा कि इंट्राडे के केस में अगर आधा आधा घंटे की गैप से आप 3 बार शेयर बुक करोगे तो आराम से वो 1-1.5 घंटे बाद आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपसे कहता हूं कि शेयर्स को आप लार्ज कैप को 10-10 दिन की गैप से इकट्ठा कीजिए और फिर 10-10 दिन की गैप से प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ जाइए, है ना। 10 दिन की गैप हम बोलते हैं लेकिन बीच में 5वें दिन आपको दिखे कि बहुत बड़ा उछाल आ गया तो बुक करो प्रॉफिट, फिर छोड़ दीजिए उसको। 10 दिन बाद और ऊपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा वो कहां से कहां पहुंच गया है। तो इस तरीके से आप बड़ा से बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। लेकिन यहां सक्सेस स्टोरी में खास बात है कि हम हर बार एक निर्णय लेने के बाद स्क्रीन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। स्क्रीन को नहीं छोड़े तो कम से कम उस ट्रेड को देखना छोड़ देते हैं। वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आपके अगर सबसे अच्छा डिसीजन लेना है तो आप ऐसा कीजिए 9:30 बजे के आसपास आप आए स्क्रीन पे, आपने वहां पे कोई पोजिशन बनाई, फिर उसको 10-10:30 बजे तक के लिए छोड़ दिया।
फिर पता लगा या तो वो ऊपर चला गया या वो नीचे आ गया। नीचे आ गया है तो फिर जैसे मैंने अभी बताया वहां पे थोड़ी और क्वांटिटी ऐड की स्टॉप लॉस के साथ, और उसको थोड़ा टाइम दे दिया 1 घंटे के लिए। जो भी होना होगा वो हो जाएगा, मतलब कोई बड़ा हादसा होगा नहीं। जो 800 रुपये माइनस देख चुका है वो 1000 रुपये माइनस देख लेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो आप अपने आप से पूछिए कि 80% लॉस मेरा हो चुका है, उसमें से 20% और हो जाएगा तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन आप बॉटम में बेच के निकलते हैं और वहीं से शेयर पलट के ऊपर चला जाता है, ये बहुत ही अखरने वाली बात होती है, और कई बार ट्रेडर्स के साथ ये होता रहता है। इसलिए उनको लगता है मेरी किस्मत खराब है। तो दोस्तों आपकी किस्मत सुधर जाएगी अगर आप ये ट्रेडिंग की टेक्निक्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इस बार आपको छोटी से छोटी बारीकी बाजार की सीखनी है, तभी जाके बात बन पाएगी। तो हमने 14,000 के 3 वीडियो कोर्सेज का ऑफर रखा है। 14,000 के 3 वीडियो कोर्स मतलब आने वाले समय में मैं मान लेता हूँ 60 रुपया पर डे का एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, और वो 60 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करके 1000 रुपया पर डे आप बनाने वाले हो। अब 1000 रुपया पर डे मतलब किससे? इंट्राडे से 300 बनाया, ऑप्शन से 300 बनाया, स्विंग ट्रेडिंग से 400-500 रुपया बनाया। टोटल इतना पैसा बनाने की बात हम आपसे कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल नहीं है? अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर तो चिंता की बात हो जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल पे आइए, चैनल पे आप यहाँ सारे वीडियोस देख सकते हैं। फ्री में सीखने के लिए हमने ढेर सारे वीडियो यहाँ अवेलेबल करके रखे हैं। आप यहाँ पे फिल्टर करके नए पुराने और मोस्ट व्यूड वीडियो देख सकते हैं। तो आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो वी या विजिबिलिटी में पब्लिक वीडियो देखेंगे, व्यूज के हिसाब से मोस्ट व्यूड वीडियो आप देख लेंगे, है ना? तो जैसा आप चाहें वैसे चैनल को देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिएगा, और आपके कमेंट और लाइक ये बहुत मायने रखते हैं। YouTube उनको सजेस्ट करता है, जो भी नए लोग आते हैं आपके लाइक की वजह से, आपकी शेयरिंग की वजह से, और आप प्लेलिस्ट देखने की वजह से उसको सजेस्ट करता है बाकी लोगों को। तो आपकी आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमको बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। तो आप सभी का सपोर्ट बना रहे। इस साल वादा कीजिए कि हम लक्ष्मी जी की सच्ची पूजा करने वाले हैं। इस बार लक्ष्मी जी खुश होगी हमसे, उसके लिए जो भी इनपुट चाहिए वो हम रखेंगे। तो सीखना शुरू कीजिए। आप अगर कोई सिंगल वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके साथ शुरुआत करें, कोई परेशानी नहीं है। अगर वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फ्री वीडियोस को देख के, फ्री प्लेलिस्ट को देख के भी सीखने की कोशिश करें। लेकिन मार्केट में वो वाली मानसिकता बिल्कुल नहीं रखनी है कि हम बड़ा बड़ा पैसा चाहते हैं, 1000 रुपया पर डे, 5000 रुपया पर डे चाहते हैं, और हम 100 रुपया पर डे का भी इनपुट नहीं डाल रहे हैं। हम पूरे दिन काम नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना है, दूसरे कोई बिजनेस में उलझना नहीं है, लेकिन 1 घंटा काम करके 2000 रुपये कमाने की कला सीखने के लिए जो प्रैक्टिस करनी है, जो नॉलेज लेना है, जो ट्रेनिंग लेनी है, वो भी नहीं लेना चाहेंगे तो फिर आप अनफेयर बात कर रहे हैं। तो रिजनेबल मांगेंगे तो हमेशा मिलेगा, अनरिजनेबल मांगेंगे तो कभी मिलेगा भी नहीं। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा कोरा पे आके क्वेश्चंस देखिए, आंसर देखिए, उनको अपवोट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम पे आइए, फेसबुक पे आइए, ट्विटर पे आइए, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आके हमको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।